दोस्तों, अगर आप ऑफिस में काम करते हो और वो भी कंप्यूटर पे, तो आपने देखा होगा कि जो लोग काम जल्दी जल्दी करते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है ऑफिस में। जिनके हाथ कंप्यूटर पर तेज तेज चलते हैं उनसे सभी खुश रहते हैं, और खासतौर पर बॉस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कंप्यूटर पे तेज काम करने में दोस्तों कीबोर्ड का सबसे बड़ा रोल है। अगर आप कीबोर्ड के बटनों का सही इस्तेमाल करना जानते हो तो ऑफिस में आप दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट दिख सकते हो दोस्तों। कीबोर्ड के कुछ ऐसे बटन हैं दोस्तों जो कंप्यूटर को इतना आसान बना देते हैं कि आप अपना काम चुटकियों में कर सकते हो। इवन 70% काम तो कीबोर्ड ही जल्दी कर देगा आपका। मानोगे भाई, तुम भी मानोगे। अगर वीडियो अंत तक देखोगे तो तुम भी मानोगे। आज मैं इन्हीं बटनों के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों। बताता हूं भाई, रुको तो सुनो तो जरा। इन सारे बटनों को ध्यान से अगर आपने समझ लिया दोस्तों, तो आप अपना काम सबसे पहले करके बॉस को दे सकते हो, और बॉस भी कहेगा क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं बात कर रहा हूँ कीबोर्ड के फंक्शनल कीज की दोस्तों। कीबोर्ड पे यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कीबोर्ड की फंक्शनल कीज होती हैं। F1 से लेकर F12 तक ये 12 फंक्शनल कीज होती हैं। तो असल में ये फंक्शनल कीज जो होती हैं दोस्तों, ये शॉर्टकट कीज होती हैं। कंप्यूटर पे जिन कामों को करने के लिए हमें बार बार माउस का इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों, या कई प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, वही काम फंक्शनल कीज से शॉर्टकट तरीके से हो सकते हैं दोस्तों। फंक्शनल कीज का जो काम है दोस्तों, वो हर सॉफ्टवेयर में, हर प्रोग्राम में अलग अलग होता है दोस्तों। पर आज मैं आपको इस वीडियो में फंक्शनल कीज के, इन 12 फंक्शनल कीज के जनरल काम बताऊंगा दोस्तों, जो लगभग हर एप्लीकेशन में सेम ही होते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए F1, जो पहली फंक्शनल कीज है। ये क्या काम करती है दोस्तों, किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी सॉफ्टवेयर में जो ओपन है दोस्तों, जो खुला हुआ है, उसमें हेल्प एंड सपोर्ट की विंडो खोल देती है, जहां से आप किसी भी टॉपिक पर उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग हेल्प ले सकते हो। जैसे डेस्कटॉप पर देखिए, अगर हम, मैंने यहां पर ये F1 क्लिक कर दिया, मुझे कोई हेल्प लेनी है, तो डेस्कटॉप पर F1 क्लिक करने से ये हेल्प एंड सपोर्ट की एक विंडो खुल गई। यहां पर सर्च बार में मैंने टाइप कर दिया क्रिएट फोल्डर, तो इसने इसके बारे में यहां मुझे हेल्प दिखा दी। तो मैंने यहां पर क्लिक किया, तो यहां से मैं देख सकता हूं कि फोल्डर कैसे बनाते हैं दोस्तों। और आगे देखिए, एक्सप्लोरर में मैंने टाइप किया वैसे ही हाउ टू क्रिएट फोल्डर, इसने भी मुझे यहां पर हेल्प दिखा दी दोस्तों, हेल्प एंड सपोर्ट विंडो खुल गई थी। और आगे देखिए, ब्राउजर में भी हम इसके साथ हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। ब्राउजर में मैंने क्लिक किया, ब्राउजर में मैंने ये F1 बटन दबाया, तो यहाँ पर भी हेल्प और सपोर्ट की विंडो खुल गई। यहाँ से भी मैं कोई टॉपिक लिख के सर्च कर सकता हूँ दोस्तों, मतलब उसके रिगार्डिंग हेल्प ले सकता हूँ। और MS Word में देखिए, यहाँ पर मैंने F1 दबाया, तो इसने हेल्प एंड सपोर्ट की विंडो खोल दी। यहाँ से मैंने, मान लीजिए कोई हेल्प लेनी है, जैसे मैंने लिख दिया क्रिएट टेबल, मुझे देखना है कि टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये सारे हेल्प टॉपिक्स मुझे दिखा देगा यहाँ पर दोस्तों। तो इसको दबा के हम किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी काम अगर हमें नहीं आ रहा, तो उसके रिगार्डिंग हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। और दूसरा बटन है F2। ये क्या काम करता है दोस्तों, अगर हमने किसी भी फोल्डर का या किसी भी फाइल का नाम चेंज करना है, उसको रीनेम करना है, तो इसकी हेल्प से कर सकते हैं हम। देखिए, यहाँ पर डेस्कटॉप पे ये फोल्डर है, इसका नाम है वीडियोस, तो मैंने इसका नाम चेंज करना है। मैंने इसको जाके क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, तो उसके बाद मैंने F2 बटन दबाया, तो ये हाईलाइट हो गया दोस्तों। यहाँ से देखिए, तो इसको मैंने डिलीट बटन से डिलीट कर दिया, इसके पहले वाले नाम को, तो यहाँ पर मैंने वीडियोस की जगह माई वीडियोस नाम लिख के एंटर दबा दिया, तो इसका नाम चेंज हो गया। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो नाम है, इस फोल्डर का नाम है कंप्यूटर, तो मुझे इसका नाम चेंज करना है। मैंने इस पर क्लिक किया, F2 बटन दबा दिया, तो ये हाईलाइट हो गया, इसके पुराने नाम को मैंने ऐसे डिलीट कर दिया, तो इसकी जगह मैंने नया नाम लिख दिया टेक, और एंटर दबा दिया, तो इसका भी नाम चेंज हो गया दोस्तों। तो ये F2 दूसरा काम क्या करता है, ये दो काम करता है दोस्तों। दूसरा काम क्या करता है ये, कि अगर आपने MS Word में कोई डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है, लेकिन उस प्रिंट निकालने से पहले आपने प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि प्रिंट निकलने के बाद वो कैसा दिखेगा, तो वो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए भी F2 यूज होता है। मैंने यहां से कंट्रोल और F2 एक साथ दबा दिए, कंट्रोल F2, तो इससे स्क्रीन पर देखिए ये जो डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू मुझे दिख गया कि ये प्रिंट होने के बाद ऐसा दिखेगा दोस्तों। तो ये दो काम करता है दोस्तों। तीसरा फंक्शनल की है हमारे पास F3। ये क्या करती है, ये किसी भी ओपन जो एक्टिव एप्लीकेशन है, जो हमने खोली हुई है जो सॉफ्टवेयर, उसमें सर्च बार को ओपन कर देता है दोस्तों, जहां पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पर देखिए, मुझे कुछ सर्च करना है दोस्तों, मैंने डेस्कटॉप पर जाके ये F3 बटन दबाया, तो इसने ये विंडो खोल दी, यहाँ पर ये सर्च बार ओपन हो गया। यहाँ पर मैंने जो सर्च करना है, PC सर्च करना है, ये मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर ये लिस्ट खुल जाएगी जो मैंने सर्च करना था। उसके बाद विंडो एक्सप्लोरर में भी, जहाँ हमारी फाइल्स फोल्डर्स होते हैं, वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं हम। मैंने F3 दबाया, ये सर्च बार खुल गई, यहाँ पर मैंने PC लिख दिया, और PC के रिगार्डिंग मुझे सर्च करनी है, PC नाम का फोल्डर या फाइल, तो इसने वो पूरे सर्च करके मुझे लिस्ट दिखा दी दोस्तों।
यही सर्च हम ब्राउजर में भी कर सकते हैं, गूगल क्रोम में, मोजिला में या ओपेरा में। तो यहाँ पर ये वेबसाइट पे एक लिस्ट खुली है दोस्तों, यहाँ पर मुझे कुछ सर्च करना है, कुछ कोई नाम सर्च करना है दोस्तों, किसी पर्टिकुलर नेम को सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पर जाके F3 दबाया तो ये सर्च या फाइंड की एक बार खुल गई। इसमें मैंने लिखा संजू, तो एंटर दबाया तो इसने वो संजू नाम की जो फिल्म थी उसको हाईलाइट कर दिया, उसको मुझे ढूंढ के दे दिया दोस्तों। तो इससे हम किसी भी सॉफ्टवेयर में, जो भी खुला हुआ है सॉफ्टवेयर, उसमें कुछ भी जो लिखा है उसमें से कुछ भी पर्टिकुलर चीज सर्च कर सकते हैं दोस्तों, फाइंड कर सकते हैं। अगला बटन है F4, फंक्शन 4। ये क्या करता है, फाइल मैनेजर में या जो हमारा विंडोज एक्सप्लोरर होता है वहां पर कर्सर को एड्रेस बार में ट्रांसफर कर देता है। जैसे यहां पर देखिए, ये हमारा विंडोज एक्सप्लोरर खुला हुआ है, ये एड्रेस बार है दोस्तों। तो मैं यहां पर काम कर रहा हूं, यहां से मुझे एड्रेस बार में जाना है, तो मैंने ये F4 बटन दबाया तो इसने सीधा यहां एड्रेस बार को हाईलाइट कर दिया, कर्सर को वहां ले गया। तो मुझे यहां से किसी और फोल्डर में या और ड्राइव में जाना है, तो मैंने यहां पर लिख दिया पिक्चर्स, मुझे पिक्चर्स फोल्डर में जाना है, मैंने यहां पर लिख के एंटर दबा दिया तो ये पिक्चर्स फोल्डर में मुझे ले जाएगा। तो ये एड्रेस बार में पहुंचा देता है कर्सर को, जहां से आप कुछ भी टाइप कर सकते हो आगे। और दूसरा काम ये क्या कर सकता है दोस्तों, अगर ऑल्ट के साथ F4 को मैंने दबाया तो ये एक्टिव विंडो को, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर या विंडो खुली हुई है उसको बंद कर देगा, क्लोज कर देगा। जैसे देखिए ये एक्सप्लोरर खुला हुआ है, विंडोज एक्सप्लोरर, मैंने ऑल्ट F4 दबाया तो ये एक्सप्लोरर बंद हो गया। यहां पेंट में जाके मैंने ऑल्ट F4 दबाया तो ये पेंट की विंडो बंद हो गई। आगे देखिए F5, ये क्या करता है दोस्तों, कोई भी ब्राउजर हमारे पास खुला हुआ है उसमें कोई भी वेबसाइट हमने खोल रखी है, कोई वेब पेज खोल रखा है, उसको रीलोड कर देगा ये, उसको रिफ्रेश कर देगा दोस्तों, वो दोबारा से रीलोड होकर दोबारा से हमारे सामने खुलेगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये पेज खुला हुआ है, मैंने F5 दबाया तो ये दोबारा से इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, ये रीलोड होना, रिफ्रेश होना शुरू हो गया, तो ये दोबारा से मेरे सामने लोड होगा, दोबारा से मेरे सामने खुलेगा दोस्तों। तो ये ब्राउजर को ही नहीं रिफ्रेश करता दोस्तों, डेस्कटॉप पे ये जो आइकॉन्स हैं सारे, यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं तो इसको भी हम रिफ्रेश कर सकते हैं। ऐसे मैं इसको दबाता गया तो ये पूरे आइकॉन्स, पूरा डेस्कटॉप रिफ्रेश होता जाएगा दोस्तों। या यहां पर ये फोल्डर्स और फाइल्स रखी हैं, इन पे भी मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, तो यहां पर भी इन सब की पोजीशंस को हम रिफ्रेश F5 से कर सकते हैं दोस्तों। अब दूसरा काम ये क्या करता है, MS Word में फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो को खोलता है दोस्तों। जब MS Word का हम टॉपिक शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा फाइंड और रिप्लेस क्या होता है। तो ये फाइंड और रिप्लेस की विंडो को भी ये F5 बटन खोलता है। आगे देखिए F6, ये ब्राउजर में, जो हमारा इंटरनेट ब्राउजर खुला हुआ है उसमें कर्सर को एड्रेस बार में पहुंचा देता है, जहां से हम कुछ और सर्च कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये ब्राउजर खुला हुआ है, मैंने एड्रेस बार में जाना है तो मैंने F6 बटन दबाया, ये एड्रेस बार में चला गया। यहां पर मैंने इसको डिलीट करके कुछ और सर्च करना है, जैसे बॉलीवुड एक्टर्स, एंटर दबाया मैंने तो दोबारा से वो मेरे पास लोड होके वो नई सर्च मेरे पास खुल जाएगी। तो ये कर्सर को एड्रेस बार में पहुंचा देता है दोस्तों। आगे जो बटन है, आगे जो की है वो है F7। MS Word में अगर आप काम कर रहे हो और डॉक्यूमेंट में सारी स्पेलिंग्स और ग्रामर आपने चेक करने हैं और ठीक करने हैं तो F7 से कर सकते हो। ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों देखिए, इसके मैंने ग्रामर और स्पेलिंग्स चेक करने हैं, चेंज करने हैं जो गलत हैं, तो मैंने F7 दबाया, ये विंडो खुल गई। यहाँ से जाके मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, इन जो स्पेलिंग सही है और जो गलत है उनको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर हम F7 से चेक कर सकते हैं। आगे F8, अगर हमने कंप्यूटर का, जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका बूट मेन्यू एक्सेस करना है कि वो कंप्यूटर बूट कहाँ से हो, वो कंप्यूटर चले कहाँ से, तो हम F8 दबा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जब मैंने कंप्यूटर चलाया तो मैंने F8 मैंने दबाया तो उसके बाद ये मेरे पास कंप्यूटर शुरू होने से पहले लिस्ट खुल गई। तो यहाँ पर मैं सेफ मोड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं और कॉन्फ़िगरेशंस भी चेंज कर सकता हूँ दोस्तों, और ऑप्शंस भी हैं जैसे लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन या स्टार्ट विंडो नॉर्मली, जो भी ऑप्शन में मुझे जिसमें भी कंप्यूटर को स्टार्ट करना है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। नॉर्मली ये कंप्यूटर को सेफ मोड में सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है दोस्तों, सेफ मोड में स्टार्ट करता है कंप्यूटर को। आगे देखिए F9, ये क्या करता है, MS Word का जो डॉक्यूमेंट है उसको रिफ्रेश करता है दोस्तों। जैसे इस डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं तो उन चेंजेस के बाद मैंने पूरे डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना है, मतलब उसको सही करना है दोस्तों, रिफ्रेश करके वो अच्छे से दिखे मुझे, तो उसके लिए मैं F9 दबा दूंगा। मैंने F9 दबाया तो ये पूरा रिफ्रेश हो गया। आगे F10, किसी भी विंडो में, किसी भी सॉफ्टवेयर में जो मेन्यू बार होता है उसको एक्टिवेट करता है F10 मेन्यू बार, जहां से हम कुछ ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ये वाले मेन्यूज होते हैं तो उनको ये एक्टिव करता है। जैसे MS Word में देखिए दोस्तों, मैंने MS Word में जाके F10 दबाया तो यहां पर देखिए ये मेन्यू बार एक्टिव हो गई। उसके बाद विंडोज एक्सप्लोरर में जाके मैंने F10 दबाया तो यहाँ पर ये फाइल, एडिट, ये सारी मेन्यू बार है जो ये एक्टिव हो गई। उसके बाद MS पेंट में जाके मैंने F10 दबाया तो पेंट की ये मेन्यू बार एक्टिव हो गई। और दूसरा काम ये क्या करता है दोस्तों, अगर इसको शिफ्ट के साथ दबाया जाए तो ये वही काम करता है जो माउस का राइट क्लिक करता है। जैसे माउस का राइट क्लिक करते हैं हम, उसको करने के बजाय अगर हम शिफ्ट और F10 इकट्ठे दबा दें तो ये राइट क्लिक का वही ऑप्शन खोल देगा। जैसे यहाँ पर देखिए F10 दबाया मैंने तो यहाँ पर ये राइट क्लिक की वो जो लिस्ट है माउस की वो खुल गई दोस्तों।
उसके बाद F11 फंक्शन की F11 ये क्या करती है, किसी भी विंडो को जो एक्टिव विंडो है उसको फुल स्क्रीन में दिखाएगी आपको, और फुल स्क्रीन से वापस नॉर्मल स्क्रीन में आना है तो फिर भी आप F11 दबा दोगे तो ये फुल स्क्रीन मोड से वापस आ जाएगी। ऐसे ये देखिए, इस ब्राउजर को मैंने फुल स्क्रीन में ले जाना है तो मैंने F11 दबाया, ये फुल स्क्रीन हो गई। फिर से F11 दबाया मैंने तो ये नॉर्मल स्क्रीन हो गई। पेंट में देखिए, मैंने F11 दबाया तो ये फुल स्क्रीन हो गई, F11 दोबारा से दबाया तो ये नॉर्मल स्क्रीन हो गई। और दूसरा काम ये क्या करता है, MS Word का जो डॉक्यूमेंट है उसमें जितने भी लिंक हैं, मतलब जो वेबसाइट्स के या कोई सोशल मीडिया के लिंक्स हैं जितने भी नीले कलर में, उनको हमें दिखाएगा, उनको हाईलाइट कर देगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इस डॉक्यूमेंट में मैं F11 को दबाता गया, यहाँ पर जितने भी लिंक हैं इसने मुझे वो हाईलाइट करके दिखा दिए दोस्तों। और आगे F12 ये क्या काम करता है दोस्तों, किसी भी फाइल को अगर आपने सेव एज करना है, मतलब कोई भी फाइल पहले से सेव है आपको उसको दूसरे नाम से सेव करना है तो आप F12 दबा सकते हो, मतलब ये सेव एज की ऑप्शन आपके सामने खोलता है। जैसे MS Word में देखिए दोस्तों, ये वाली फाइल है, इसका नाम पहले से डिस्क्रिप्शन है, मुझे इसको किसी और नाम से भी सेव करना है तो यहाँ पर मैं इस बटन को F12 को मैंने दबाया, यहाँ पर से नाम हटा दिया मैंने और इसका नाम डेटा कर दिया तो एंटर दबा दिया तो ये डिस्क्रिप्शन से भी एक फाइल सेव रहेगी और फिर डाटा से भी दूसरी फाइल ये सेव हो जाएगी। यहाँ पेंट में देखिए, ये फाइल जो है पिक नाम से सेव है, मैंने ये F12 दबाया, यहाँ पर पिक हटा के मैंने वो जो नाम है उसकी जगह फोटो कर दिया तो ये सेव एज हो गई, ये पिक नाम से भी सेव रहेगी फाइल और ये फोटो से भी, फोटो नाम से भी सेव रहेगी।